हेलो वेलकम ऑल व्यूअर्स टू माय न्यू चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैनल का नाम स्टडी यूपीएससी है। नो डाउट ये चैनल प्योरली डेडिकेटेड है यूपीएससी की स्टडी के लिए कि हाउ टू प्रिपेयर अ यूपीएससी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। क्योंकि जो हमारा टारगेट है, जो हम इस चैनल को लेकर चल रहे हैं, इस चैनल का मेन टारगेट है विद इन 6 मंथ यानी कि 180 डेज के अंदर यूपीएससी की तैयारी करवाना। ना सिर्फ तैयारी करवाना, जो यहाँ पे आप लोगों देख पा रहे हैं क्विक लर्नर, जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसको वीडियो खत्म होने से पहले परमानेंट कैसे मेमोराइज किया जाए उसके बारे में भी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। एंड ना सिर्फ बताया जाएगा, आपसे प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। एंड वीडियोस में जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ एक रिकॉल टेक्निक होगी जिससे आपको जो की कंसेप्ट हैं वो आपको विद इन वीडियोज में ही आपको ईजिली रिमेम्बर रहें और आप अपनी जो एफिशिएंसी है वो और इंक्रीज कर पाएं। सो जो ये वीडियो बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, सर्वे किया है, उसके अकॉर्डिंग जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, नियरली 10 to 12 lakhs हैं, जो कि 2018 था। एंड 2019 का यूपीएससी प्री हुआ था, इसके लिए 15 lakh अप्रॉक्स स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। अगर आप चेक करें 15 lakh स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, आउट ऑफ दैट ओनली 1000 आर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द सेम। सो जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट है उनके साथ क्या ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम की तैयारी नहीं करते। भले वो 1 महीने तैयारी करें, 10 महीने तैयारी करें, 2 साल तैयारी करें, तैयारी उन्होंने की है, बट ऐसा क्या है कि सिर्फ 1000 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ नहीं हो रहे। तो अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम डेडिकेटली किसी चीज़ की तरफ अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि सिर्फ 1000 ही सिलेक्ट होते हैं, रेस्ट ऑफ नहीं होते हैं? ठीक है, जो रेस्ट ऑफ नहीं हो रहे हैं, मेरा फोकस उन पे भी रहेगा एंड मेन फोकस रहेगा यूपीएससी में हाउ टू गेट सेलेक्ट। ठीक है, विद इन 6 मंथ प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि हु एम आई, मैं आपको ये चीजें कैसे बता रहा हूँ और मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटीज क्या है। सो वेल, आई हैव नियरली 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग ट्रेनिंग। आई हैव वर्कड विद लॉट ऑफ MNC कंपनीज लाइक डोमिनोज, आपने सुना होगा, स्टार सीज लाइव, ये एक ई कॉमर्स चैनल है, एंड IGS, ये एक कॉरपोरेट है। एंड जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था दैट वॉज अ गुरुकुल, आई वर्क विद गुरुकुल नियरली 1.5 ईयर एंड एज ए प्रिंसिपल, एंड आई टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट। देर आई यूज टू टीच हाउ टू ग्रैप द नॉलेज विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि बच्चों को सब हर कोई ये बताता है कि बच्चों पढ़ो, लेकिन बच्चों को कोई ये नहीं बताता कि पढ़ा कैसे जाता है। तो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे करता था और जो मेरा वे ऑफ टीचिंग था, मैं उनको पहले ये सिखाता था कि पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक जो की पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज यूपीएससी डिमांडिंग, फिर बात होगी कि जो स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यूपीएससी को, फिर उसके बाद आपने डिमांड देख लिए, स्किल्स रिक्वायरमेंट देख लिए, अब आपको चेक करना है कि आपके अंदर वो क्या क्या स्किल्स है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो पहला पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स एक ग्रुप ए की सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे एक लीडर होना बहुत जरूरी है। अगर आप में लीडर की कैपेबिलिटी होगी तभी आप एक जो अलोकेटेड जो आपको डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपको उसे इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग। सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, जब आपके वो सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी क्या होती है कि जो कंसंट्रेशन लेवल होता है और जो आपका मोटिवेशन लेवल होता है वो डाउन होना स्टार्ट होता है विद इन 1 to 2 मंथ। ठीक है, तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है यूपीएससी की। फिर उसके बाद आती है पीपल हैंडलिंग स्किल। पीपल हैंडलिंग स्किल की डिमांड कब आती है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं एंड विद इन इंटरव्यू में वो आपकी ये स्किल्स चेक करते हैं, आर यू एबल टू हैंडल पीपल। एंड एथिक्स में सबसे मेन जो एथिक्स पेपर डाला गया है, आप जो GS 4 है एथिक्स, उसमें यही स्किल्स आपकी चेक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, गुड एट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, आप अपने जो वर्ड्स हैं, अपने जो भी इमोशन है, आप सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग ट्यूनिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये एक शॉर्ट नोट है जो ब्रीफ मैंने यहाँ पे बताया इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर आपको इसमें जो भी यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट के बारे में या फिर जो भी मैं इस स्लाइड के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में समझ में नहीं आया, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, श्योरली मैं आपको
आंसर जरूर होगा। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, एटीट्यूड नॉट ईगो। ठीक है, हर किसी के पास एटीट्यूड होना चाहिए, बट दैट शुड बी अ पॉजिटिव, नॉट अ ईगो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, दिस इज माय राइट एंड यू कैन से पॉजिटिव एटीट्यूड, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दिस इज एन ईगो। सो डोंट बी हैविंग अ ईगो विद यू, यू शुड हैव अ ऑलवेज राइट एटीट्यूड, और आई कैन से पॉजिटिव एटीट्यूड। सिक्स पॉइंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। अब जो भी आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान या फिर जो आपने ट्वेल्थ क्लास तक या फिर ग्रेजुएशन तक जो भी आपने नॉलेज एक्वायर की है, आप उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन के बाद में भी बहुत हेल्प करेगा ये सिक्स पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। इट्स अ वेरी माई फेवरेट स्लाइड एंड माई फेवरेट कोटेशन। ये मैंने 2018 में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें द हिंदू में मेंशन था कि नाउ ए डे यूपीएससी इज लुकिंग फॉर अ सीईओ, क्योंकि 2017 का जो एग्जाम था प्री का टफ था एज कम्पेयर टू 15, 16 एंड 14। सो वहां पे एक आर्टिकल ये आया था कि नाउ ए डे यूपीएससी इज लुकिंग फॉर सीईओ नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि पहले 2011-12 तक क्या होता था कि एक स्टैटिक सिलेबस होता था, आप जस्ट उसे पढ़े, 6 से 7 महीने में आप उसकी तैयारी कर लेते थे और पेपर आता था, आप उसके अंदर प्री इजीली क्लियर हो जाता था। मेंस में जो था, मेंस में आपके जो नॉलेज है वो चेक होती थी, लेकिन जो ये पहले पैटर्न था 2014 से पहले, उसमें क्या था, जो भी यूपीएससी से क्लियर होकर आईएएस ऑफिसर बन रहे थे वो वीक आईएएस ऑफिसर बन रहे थे। तो इस वजह से पूरा पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम का। ठीक है, 1 मिनट, ओके, सॉरी फॉर द स्लाइड डिस्टर्बेंस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सीईओ। सीईओ बेसिकली मेन टास्क क्या होता है कि वो 12-15 डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक साथ लेके काम करता है और बेटर एफिशिएंसी के साथ और बेटर रिजल्ट के साथ वो काम करता है। ठीक है, सो अगर आप स्किल्स चेक करना चाहें कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, सबसे पहले स्किल है, जो भी मैंने यहाँ पे स्किल्स मेंशन किए बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। अगर आपके पास पहली स्किल नहीं है तो बाकी की 6 में जो बाकी की 5 है उसमें से एक भी नहीं होंगी। सबसे पहली चीज है गुड लिसनर, जैसे कि अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने वीडियो सुना, आपको कुछ न्यू पॉइंट मिला, इसके बाद आपके माइंड ने उसके ऊपर प्रोसेस करना स्टार्ट किया, उसे बोलते हैं एनालिटिकल माइंडसेट। इट मीन आपको जो न्यू डेटा मिल रहा है उस डेटा को आप ऑन द स्पॉट एनालाइज करके आप चेक कर पा रहे हैं कि इसमें से मेरे काम का क्या है। ठीक है, अगर आप ये एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप कर पाते हैं तो ही आप थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे, जो कि होगा डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड मोर करेक्ट। क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सारे ऑप्शंस आपको लगते करेक्ट हैं, लेकिन उसमें से फाइंड आउट करना होता है कि सबसे करेक्ट कौन सा है, या फिर अगर पूछा जाता है इसमें से गलत कौन सा, तो आपको चेक करके अपने एनालिटिकल माइंडसेट से चेक करना होता है कि इसमें से सबसे ज्यादा गलत कौन सा है। ठीक है, अगर आप थर्ड एबिलिटी को एक्वायर तक पहुंच पाते हैं, तभी आप जो फोर्थ एबिलिटी है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसे अचीव कर पाएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके हर स्टेज पे हेल्प करेगी आपको, विद इन एग्जाम, बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम। ठीक है, अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आप डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। ठीक है, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे। रतन टाटा भी बोलते हैं कि मैं डिसीजन सही या गलत नहीं लेता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ एंड आई मेक देम प्रूव राइट, मैं उन्हें सही सिद्ध करता हूँ। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, जो आपका थॉट प्रोसेस है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आपके माइंड में क्या आएगा, मेरे से क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा लेंथी है, मैं इसे करूँ या ना करूँ। ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपके जो थॉट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए पूरा। अब तक हमने बात की है कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है, ठीक है, और हमने ये चेक किया है कि क्या स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, अभी चेक करते हैं क्या आप में वो एबिलिटी है या नहीं है। सबसे पहले अगर आप चेक करें कि किसी से भी पूछे कि आप सीटिंग टाइम कितना है, सीटिंग टाइम मीन्स आप एक बार बैठने पर कितनी देर तक पढ़ सकते हैं, हर कोई ये बताएगा कि मेरा 1 घंटे का सीटिंग टाइम है, 1.5 घंटे का। रियलिटी में वो सीटिंग टाइम नहीं होता है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसमें आपका नो डाउट सिटिंग टाइम इतना ही रहेगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं है, जैसे कि एक कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर बात बताऊं, अगर उस टॉपिक पर डिस्कस करूं,
तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो वहां से आपको चेक करना है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की स्टडी करेंगे आपको नियरली 12 सब्जेक्ट से जो आपको पढ़ने होते हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट में अपना कंसंट्रेशन लेवल वैसा नहीं बना पाएंगे। तो आपको पहले पॉइंट से चेक कर सकते हैं आप में कंसंट्रेशन लेवल कितना है। फिर मैंने यहाँ पे एक स्किल मेंशन की थी, गुड लिसनर। अगर आपको गुड लिसनर की स्किल्स चेक करनी है कि क्या मेरे में लिसनिंग पावर है, तो आप रेडियो यूज करें, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत से चैनल है जो आपको रेडियो के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, रेडियो की रिकॉर्डिंग रहेगी। आप एक A4 शीट लें, ठीक है, रेडियो 5 से 10 मिनट सुनो, उसके बाद आप चेक करो कि रेडियो में जो जो आपने सुना था आप उसे पेपर पे लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। क्योंकि दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक होता है हेयरिंग और एक होता है लिसनिंग। हेयरिंग में होता है सिर्फ सुनना, आप सिर्फ सुनते हो। लिसनिंग में क्या होता है, जैसे ही आप सुनते हो आपके माइंड में ये सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, एनालिटिकल माइंडसेट। ये आपको हेल्प करता है, जैसे अगर आप में लिसनिंग पावर अच्छी होती है तो जैसे आपने कोई नया पॉइंट सुना उसके ऊपर आपका माइंड रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपको अपनी डेली रूटीन और जो हैबिट्स हैं उन्हें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सावधानी ये रखनी है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, 7 डेज तक चेंज बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप चेंज करोगे आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हैबिट्स आपकी आज की नहीं है, वो आपकी सालों की हैबिट्स हैं। तो उनको चेंज करने का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, हाउ टू चेंज योर हैबिट, हाउ टू गेट रीड फ्रॉम योर बैड हैबिट्स। इसके ऊपर भी मैं एक बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ताकि आप जब एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। उसमें आपके मेन 4 पैरामीटर क्या होते हैं, आपके जो इमोशनल विल पावर होती है वो कितनी है, ठीक है। तो आपकी इमोशनल विल पावर ही डिफाइन करेगी कि आप हैबिट्स से कितनी जल्दी छुटकारा पाते हैं, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं। 4th पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों डाला है कि आर यू एबल टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, इससे डिफाइन होता है क्या आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। क्योंकि अगर आप अपनी हैबिट्स को बना सकते हो और खराब हैबिट्स को हटा सकते हो, इट मीन्स यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने अभी तक डिस्कस किए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने जो यहाँ पे सीखा है, यूपीएससी क्या डिमांड करता है, हमने आज ये सीखा है। फिर हमने सीखा है कि यूपीएससी एक सीईओ सेलेक्ट चेक करता है कि सीईओ की जो क्वालिटीज होती है, जो 12 to 15 डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, ये ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या उनको एक साथ लेके काम कर सकता है। फिर हमने चेक किया था कि अभी इस पे डिस्कस किया था कि लिसनर माइंडसेट, जो एक स्किल्स रिक्वायर्ड होती है यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जो मैंने यहाँ पे लिसनर मेंशन किया है, ये आपके इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आएगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप प्री मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग तैयारी नहीं कर सकते, आपको सारी तैयारियां एक साथ करनी पड़ती हैं। इंटरव्यू की तैयारी आपको Day 1 से लेकर करनी पड़ती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप अगर इसमें इन पॉइंट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में अगर आप चेक करेंगे, आपको श्योरली अपने बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा। सो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है यूपीएससी के बारे में। सो जल्दी ही मैं पूरा एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। आप इसे प्री दिवाली ऑफर ले सकते हैं, मान सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि ऑफर ले सकते मान सकते हैं। जैसे कि अभी 1 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो इसमें होगा क्या कि 6 मंथ का हमारा टारगेट है। 6 मंथ में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेन फोकस 5 सब्जेक्ट रहेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर। ये 6-7 जो मेन होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, हम उसको बिल्कुल डेप्थ तक कवर करेंगे। एंड विद इन 6 मंथ में जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस है आपसे डिस्कस होगा, पूरा कवर होगा। एक पूरी सीरीज रहेगी बिगनर, मीडिएट एंड एडवांस लेवल की। सो दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।